हाय गाइस, मैंने अपने कार में एडास लगाया हुआ है। काफ़ी लोगों को शिकायत थी कि ये वर्क नहीं करता है, डमी करता है। तो आइए मैं आपको आज एडास का वर्किंग दिखाता हूँ। पहले मैंने कैसे सेट किया है वो दिखाता हूँ। ओके कम, ये मेरी कार है। ओके मैं आपको दिखाता हूँ बैक कैमरा कहाँ लगा है, फ्रंट आपका जो सेटअप है एडास सिस्टम का वो कहाँ मैंने किया है। बैक कैमरा जो है, जो नाइट विजन और वेदरप्रूफ कैमरा है जो इसको सपोर्ट करता है, वो ये आइटम है। ये आप देख पा रहे होंगे, राइट। तो इसको फोकस करता हूँ। ये आपका है, इसका वायरिंग आप अंदर से कर सकते हैं। ओके अब मैं आपको फ्रंट दिखाता हूँ, राइट। ओके तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी कार अभी स्टार्ट है। ओके और आपको यहाँ बाहर से इस तरह से आप देख पा रहे हैं, ये मेरे इसमें रियर मिरर पे लगा हुआ है। ओके अब अंदर से आपको दिखाता हूँ। ये अभी आइडल मोड में है। ओके अब मैं चलूँगा तो ये ऑन ये हो जाएगा डिस्प्ले। इसको टच करूँगा ऐसे, देखिए ये इंटरफेस है और ये आपका एडास का है। अब मैं आपको इसको, मैंने जैसे बताया था, इसमें ये क्लिक करके ये आपका रिवर्स व्यू का है। इसको ऊपर नीचे करना है ऊपर नीचे कर सकते हैं, राइट। टच का आप रिएक्शन आप देख सकते हैं क्वालिटी। और ये सिंगल क्लिक किया तो हमारा डबल ये आया। इसको मैं ये हटा देता हूँ। ओके तो ये आपका एक कैमरा में आपका बैक व्यू आ रहा है, एक में आपका फ्रंट व्यू आ रहा है। ओके जैसे ही कार चलेगी, आप यहाँ पर रेड बिंदी देख रहे हैं, ये रिकॉर्ड हो गया है, ठीक। और कार चलेगी तो ऑटोमेटिक आपके अलर्ट्स आएंगे, ये बोलेगा, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। ओके मैं आपको एडास की सेटिंग दिखा देता हूँ कि कितना सेंसिटिविटी मैंने रखा हुआ है। ओके तो इसके लिए कुछ नहीं, इसमें सेटिंग में जाएंगे, होम पे जा करके, और इसमें एक ये सेटिंग रहता है। सेटिंग में आप जैसा देख सकते हैं पार्क मॉनिटर, ये सब जो मैंने आपको जो पुराने वीडियो में बताया था उसमें जाकर के आप रेफर कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल के लिए DVR में ये ऑप्शन है। ओके तो DVR ये ओपन है। अभी आप देख पा रहे हैं इसमें डिस्टेंस बता रहा है फ्रंट कार की। ओके फ्रंट जो आपका जो भी खड़ी है वो अभी बता रहा था। ओके तो इसमें सेटिंग मैं पहले दिखाता हूँ। ये जो येलो है ये आपका पार्क मॉनिटर का है। ओके और ये जो है माइक का, इसको आप म्यूट कर सकते हैं अगर आपकी आवाज़ नहीं रिकॉर्ड करना है तो। आप क्वालिटी आप देख सकते हैं उस कैमरा से ही ये मैं फोकस किया हुआ हूँ। ओके और अभी टच हो गया, ये बैक साइड का व्यू आने लग गया। ओके अब मैं सेटिंग में जाऊँगा और सेटिंग में जा करके आपको उसके लिए क्या रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाता है, ठीक। तो अगर आप सेटिंग में कुछ छेड़छाड़ करते हैं तो मैं इसको कंफर्म करता हूँ। ओके ये इसकी आवाज़ है, टर्निंग ऑन ऑफ कैमरा। अब इसमें आपको दिखाता हूँ कि इसमें कई सारे ऑप्शन है, रिकॉर्ड टाइम कितना, जैसा मैंने बताया था जी सेंसर है इसमें। आप कोलिजन लॉक सेंसिटिविटी बोल रहे हैं तो ये जो आपका है हाई मिड लो, तो मैं बहुत कम ही सेक्शन को जी सेंसर में रखना चाहता हूँ। मतलब जब बहुत हेवी कुछ वैसा एक्सीडेंट टाइप का हुआ तब वो उस सेक्शन में स्टोर करेगा, अदरवाइज वो ओवरराइट हो जाएगा, तो विच इज़ फाइन टू मी। तो इसलिए मैंने ये लो सेट कर रखा है। रिकॉर्ड टाइम में कि जब भी आपका ये सिग्नल ट्रिगर हो रहा है तो उस स्थिति में कितने देर का रिकॉर्डिंग सेव होना चाहिए, ये आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 मिनट है, 3 मिनट है, 5 मिनट, मैंने मिड रखा है 3 मिनट का एपिसोड रिकॉर्ड करके रखने के लिए। और अब देखिए एडास सेंसिटिविटी आपको दिखा रहा हूँ, तो एडास सेंसिटिविटी में आप देख रहे हैं मैंने हाई रखा है, तो इसमें मिड भी रख सकते हैं लो भी रख सकते हैं। जितना सेंसिटिविटी आपको चाहिए कि कम अलर्ट चाहिए तो उस हिसाब से रख सकते हैं। उसके बाद आपका स्पीड यूनिट क्या है, आपके एरिया में किलोमीटर पर आवर है या माइल्स पर आवर है, तो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके तो मैंने आपको दिखा दिया एडास सेंसिटिविटी हाई है। अब मैं कार ड्राइव करके दिखाता हूँ, यहाँ से स्ट्रीम मीडिया है। ओके तो स्ट्रीम मीडिया जब भी करेंगे, इसको इनेबल करके रखेंगे, तो आप रिमोटली अपने मोबाइल ऐप से कार का दोनों कैमरा से आपका फ्रंट और बैक व्यू कभी भी आप देख सकते हैं, लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं
वहाँ से कमांड भेजेंगे तो रिकॉर्डिंग आपका वीडियो बंद करके और आपके मोबाइल पे पुश आ जाएगा वापस नोटिफिकेशन। और उसी तरह फ़ोटो अगर आप वहाँ से क्लिक करते हैं तो फ़ोटो खींच के यहाँ से और मोबाइल पे चला जाएगा, ऑटोमेटिकली होगा। ओके, इसमें ज़्यादा डेटा नहीं लगता है। मैं इसमें 49 का एयरटेल का रिचार्ज करवाता हूँ और वो हमारे महीने के लिए वो काफ़ी होता है, बिकॉज 1 GB से कम ही है। ये सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए है, और लाइव स्ट्रीमिंग भी करते हैं तो ज़्यादा डेटा नहीं लेता है। और अगर आपको एक वाईफाई हॉटस्पॉट जोन बनाना है कार में, तो उस हिसाब से आप डेटा रिचार्ज कर सकते हैं। ओके, उसका ऑप्शन आपने यहाँ पे ऑलरेडी देखा है। यहाँ पे देखिए, ये जो है ये हॉटस्पॉट का सिंबल है। ओके, और ये 4G कनेक्टेड है एयरटेल का, और इसमें आपका नाइट मोड, डे मोड, ऑटो मोड, स्क्रीन सेवर रखना है कितने देर का, ये सारी सेटिंग आप इसमें कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए, पार्क मॉनिटर आप यहाँ से भी इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। तो पार्क मॉनिटर अगर आपने डिसेबल किया, इसका मतलब ये है कि आपकी जब कार चल रही है तो उसी टाइम पे ये रिकॉर्ड होगा। ओके, बैटरी सेव करने के लिए आइडियली ऐसा करते हैं, लेकिन बैटरी ज़्यादा नहीं खाता है वो। मेरा मल्टीपल मंथ्स का टेस्ट किया हुआ है ये लॉकडाउन के टाइम पे। ओके, तो ये पार्क मॉनिटर है। वॉल्यूम आप यहाँ से ये देख सकते हैं। FM स्विच अगर आपको ब्लूटूथ के थ्रू आपके म्यूजिक सिस्टम में आवाज़ नहीं चाहिए, सपोज ब्लूटूथ नहीं है, उस स्थिति में आप यहाँ से FM स्विच ऑन करेंगे और उसके बाद FM का जो होम पे बटन है उसमें फ्रिक्वेंसी सेट करेंगे और उस हिसाब से आपका वो उस फ्रिक्वेंसी पे ट्रांसमिट होगा और आपका इसका डिवाइस का जो आवाज़ है वो आपके कार के म्यूजिक सिस्टम के थ्रू जाएगी। ओके, तो ये तो इसका है। ये मेरा मेन अभी दिखाने का मकसद, इंटरफेस के लिए अलग से वीडियो है, आप जा कर के उसको देख सकते हैं। और अभी मैं फिलहाल आपको एडास कितना इफेक्टिव है ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ और किस तरह से अलर्ट आता है। ओके, तो सेटिंग मैंने दिखा दिया, अब चलिए मैं ड्राइव करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो अब चलना स्टार्ट करते हैं और इसको अब देखिए फ्रंट व्यू ये आ रहा है। सपोज मैं 12 मीटर 13 मीटर 10 11 9 आपको दिख पा रहा है, 9 मीटर। ओके, अब मैं मेन लेन में चल दिया और इसका जो नोटिफिकेशन, इसमें आप YouTube वगैरह भी ऑन द गो प्ले कर सकते हैं। सपोज मैं मुझे कुछ प्ले करना है तो इधर मैं प्ले कर देता हूँ। ओके, ये देखिए 15 मीटर आपका, इसको मैं म्यूट करके रखता हूँ ताकि आपको जो मकसद है। अभी देखिए लेफ्ट साइड का उसने कैच कर लिया 23 मीटर पे। ओके, और ये फ्रंट व्यू है, इसको टच करेंगे तो बैक व्यू आ रहा है, इसको टच करेंगे तो फ्रंट व्यू आ रहा है। ओके, आप इस पे लेन चेंज का और वो ऑटोमेटिकली वो दिखेगा। आगे जो कार जा रही है उसका भी डिस्टेंस बता रहा है 22 मीटर। ओके, पार्किंग में है और आपका लंबा जाम लग गया है तो उस टाइम पे भी फ्रंट कार का आपने देखा, जैसे मैंने टर्न लिया लेन हैज डेविएटेड का ये डिस्टेंस, अब देखिए लेन दिखा रहा है इसमें, लेन हैज डेविएटेड। लेन का ऑटोमेटिकली डिसाइड भी करता है, जरूरी नहीं है कि आपके लेन में लाइन्स रहने चाहिए। ये एक बहुत बड़ा मिथ मैंने देखा है, अभी कितने भी लोगों ने ब्लॉग किया XUV 700 का, उसमें कई लोगों ने ये कमेंट डाला कि एडास कैसे वर्क करेगा, आई एम नॉट श्योर बिकॉज यहाँ तो लेन ही नहीं है। लेन एक वर्चुअल डिफ्रेंसिएशन होता है, कहने का मतलब ये नहीं है कि बीच में लाइन्स होने चाहिए, लाइन्स नहीं भी होगा तो भी वो डिटेक्ट होगा, वो एल्गोरिथम उस हिसाब से होता है। का टच जो है वो कैपेसिटिव है, तो आप कुछ भी जैसे ऑन द गो मल्टी ये कर सकते हैं, पर्पस यूज कर सकते हैं। और पैरेलल में आपका वो तो दिख ही रहा है, वो एडास तो आपका काम कर ही रहा है, तो वो इंटरफेस ये देखिए, यहाँ लाइंस भी आपको दिख गई और ऑटो का डिस्टेंस भी दिख गया आगे जो है, और उसके बाद लेन है डेविएटेड का आपको अलर्ट भी आ गया। Lane has deviated. तो इसका
इसका आप एक्यूरेसी आप समझ, सपोज आप होम स्क्रीन पे नहीं है, आपने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे ये देखिए डबल ये फुल स्क्रीन में आ रहा है आपका बैक भी। इसको ऊपर कैमरा करना है, नीचे करना है, ये सब मेरी गाड़ी चल रही है, आप देख पा रहे हैं। ओके, इस पर कोड एक बार क्लिक करूँगा तो दोनों व्यू आएंगे, एक हमारा आगे का है, एक पीछे का है, आपको फुल ये दिख रहा है। अब इसमें से जौन सा व्यू आपको चाहिए, सपोज मेरे को ये चाहिए, इस पर डबल क्लिक करिए तो ये फुल में आ जाएगा। अब इसको आप ऊपर करना है, नीचे करना है, जहाँ जैसे करना है वैसे करके आप अपना असिस्टेंस ले सकते हैं। ओके, अब इसको फिर से डबल क्लिक करेंगे और ये वापस उस मोड में आ जाएगा। Pay attention to the front car. ये देखा आपने, pay attention to the front car. तो ये pay attention to the front car. मैं क्लोज आ रहा हूँ, जैसे जैसे वैसे आ रहा है। Pay attention to the front car. अब मैं बोलता हूँ कि इसको खुद ऑटोमेट किया जाए। Pay attention to the front car. जितना क्लोज जाएंगे उतना बार बार बोलेगा। Pay attention to the front car. देखा आपने, और डिस्टेंस भी बता रहा है 19 मीटर। Pay attention to the front car. कलर भी चेंज होता है, येलो हो जाता है और ज्यादा क्लोज Pay attention to the front car. तो रेड हो जाएगा ज्यादा क्लोज हुए तो। Pay attention to the front car. ओके, मतलब अलर्ट्स कम आ गए हैं जैसे ही आपका, तो Pay attention to the front car. और येलो रेंज में आ गया 22, तो ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। Pay attention to the front car. किस स्पीड में आपकी कार है, किस हिसाब से आप किस स्पीड आगे बढ़ रहे हैं, उस हिसाब से आपका ये कैलकुलेट करके ये बता Pay attention to the front car. Pay attention to the front car. Lane has deviated. अब देखिए यहाँ पे लेन का आपको दिखा दिया रेड लाइन कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, और अलर्ट भी दे दिया। देखिए दो दो कार है तो दो दो डिस्टेंस का दिखने लग गया, जितने भी आपके हैं उस हिसाब से उतने डिस्टेंस। देखिए दो का अलग अलग कैलकुलेट हो रहा है, एक का 14 मीटर, एक का 13 मीटर, ऐसे करके दिखा रहा था, एक 18, एक 22। तो ये एक इंटेलिजेंट सिस्टम है। Pay attention to the front car. Pay attention to the front car. और बैक साइड का जो है वो नाइट विजन है, तो अंधेरा होगा तो भी आपको वो दिखेगा, अगर दिन है तो कलर दिखेगा, नाइट है तो आपका वो नाइट मोड में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, आप बोल सकते हैं कि टोटल फुल्ली कवर आपका ऑल अराउंड सिक्योरिटी रहता है। और मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ पहले, कि मोबाइल ऐप से कैसे रिमोटली मॉनिटर कर सकते हैं। मैं आपको एक मिनट दिखाता हूँ, पार्क करके दिखाता हूँ। तो अभी जैसे ये होम स्क्रीन है, ठीक है, और मान लिया ये बंद भी है तो भी आप रिमोटली ये देख सकते हैं। मैं आपको बंद करके भी दिखाऊंगा गाड़ी। ओके, तो ये मोबाइल ऐप है, ये मेरे हाथ में आप जो देख पा रहे हैं, अगर आपको रिमोटली फोटो या वीडियो देखना है, लाइव देखना है, तो ये लाइव दबाएंगे, यहाँ पे एक लाइव रिमोट का बटन है, रिमोट दबाएं। ओके, ठीक, और ये आपका देखिए आ रहा है, एको आ रहा है, ठीक है। अब बैक कैमरा से आपको देखना है, ये यहाँ पे ऐसे टच करेंगे, ये देखिए बैक व्यू आ गया। मैं एक बार गाड़ी के बाहर जाके ये चीज़ करता हूँ, नहीं तो एको आए। मैंने ये स्विच ऑफ कर दिया है कार को, और अब मैं मोबाइल ऐप से कार का ये कंट्रोल करूँगा। ये मोबाइल ऐप है, इसको मैं क्लिक करूँगा, ये देखिए, ठीक है, लाइव आ रहा है, लाइव फीड आ रहा है, जबकि कार बंद है। अब इसको दबाऊँगा, ओके, इसको फुल स्क्रीन करना है तो फुल स्क्रीन भी आप कर सकते हैं। ओके, इसको ये दबाएंगे तो फुल स्क्रीन आ जाएगा। ओके, तो ये आप देख सकते हैं पीछे का भी, राइट, और ये अपने फुल स्क्रीन किया उसके बाद भी क्लिक करेंगे, सपोज ये तो आपको फ्रंट का आ जाएगा। ओके, ये देखिए, ठीक है,
अब देखिए ये जैसे आपने रिवर्स गियर दिया तो आपके आपका डिस्प्ले फुल रियर पार्किंग के जैसा काम करने लग गया। ओके अब मैं कार बंद करके इसका स्लीप मोड में देखिए चाबी निकाल लूँगा। अब देखिए स्लीप मोड में चला जाएगा 9 सेकेंड 8 सेकेंड। ये आपका इस साउंड का इसके अंदर जो इनबिल्ट स्पीकर इसकी आवाज़ है। ये था आज का एक छोटा सा आपका जो आपके कई लोगों के डाउट्स थे कि ये एडास डमी है चल रहा नहीं है। ओके और ये एक्चुअल में एडास नहीं है। मुझे आशा है आज के इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिले होगी। अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन सी यू, टेक केयर, बाय बाय।